ना तो हमें कोई बहुत बड़ा चमत्कारी बाबा बनना है, ना हमें कोई बहुत बड़ा गुरु बनना है। बहुत से लोग हमको कहते हैं गुरु जी ऐसा कर लो वैसा, हम कहते हैं भैया हम ऐसे ही ठीक हैं, हम अपने आप को संभाल नहीं पाते हैं, हम पगला के पगला ठीक हैं। क्यों? क्योंकि अमीरों को तो हजारों गुरु हैं, जो बड़े बड़े पद पर बैठते हैं वो मंचों पर आ जाते हैं डायरेक्ट। उनका कौन है जिनके पास कोई पद है नहीं, 2 रुपया किराया को है नहीं, उनकी तो सिर्फ बागेश्वर बालाजी है। इसलिए तो पता है हमने क्या किया है, हर महीने में 3 दिन वन में जाकर के वनवासियों को धाम के खर्च से कथा सुनाते हैं। और कथा क्यों सुनाते हैं? क्योंकि बड़े बड़े लोग पहले आशीर्वाद लेने मंचों पर आते हैं और छोटे व्यक्ति जो होते हैं वो सिर्फ ताली बजाने के काम आते हैं। हमने उल्टा कर दिया, वन में जाकर वनवासियों को मंच पर बैठारते हैं और जितने हमारे प्रिय शिष्य हैं, चाहे वो कोई एक्टर हो या कोई भी पद पर बैठे हो, जो हमें बहुत मानते हैं, जो हमारे परिवार हैं, उनको कहते तुम नीचे बैठकर ताली बजाओ। हम चाहते हैं भारत में एक मंच ऐसा भी होना चाहिए। हाँ जी या ना जी, बोलो ना। आवाज से आप लोग लग जाओ, हम जब तक जिएंगे तुम्हारे लिए बालाजी से प्रार्थना करते रहेंगे। हमारे पास कुछ नहीं है देने को सिवा बालाजी की कृपा के, लेकिन इतना कहते हैं अगर तुमने नियम का पालन किया और सच्ची श्रद्धा से आए ना, तो हमने लाखों लोगों की बिगड़ी देखी। कल ही एक माताजी आई थी, 2 साल पहले इसी दरबार में दहीसर में आई थी, और कल ही यहां से बालाजी की कृपा से काल ले गई लाला। तो हमने बहुत बिगड़ी, बहुत से यहां भी बैठे हुए हैं, हम मिल नहीं पाए, पर्चा नहीं बन पाया, लेकिन उनकी बिगड़ी बनाई। हम तुम्हें भी बिल्कुल शपथ पूर्वक कहते हैं, तुम विचलित भर मत होना, भटकना भर मत। तुम इसलिए मत आना कि पर्चा बनेंगे या मन की बातें, नहीं, तुम इसलिए आना कि हम बालाजी के हो गए और बालाजी हमारे हो गए। तुम बागेश्वर हनुमान जी की साधना पाने आना। क्या पाने आना? कौन कौन करेगा रोज हनुमान जी की साधना? हनुमान चालीसा के पाठ और आहुति। आहुति किसकी? सन्यासी बाबा की। आप करना, आप जहां हो वहां बालाजी की कृपा पहुंच जाएगी, सेना पहुंच जाएगी। कल कोई सज्जन बता रहे थे ना, उनके घर पर सीधे साक्षात पहुंच गए थे बंदर बाबा। कोई बता रहा था, हम भूल गए। हाँ, अनेक ऐसे हैं जो जिनके घर पर अनेक लीलाएं हुई। अब बातें कम हो जाएं, बड़े भावपूर्वक आज का दरबार बालाजी के चरणों में शुरू हो जाए। बोलो बागेश्वर धाम की, सन्यासी बाबा की। समय बहुत कम है, 2 दिन का दरबार था। हमने कहा है हमारे बहुत प्रिय इंडियन कॉरपोरेशन के जो डायरेक्टर हैं रुद्र प्रताप त्रिपाठी जी, आपने जबरदस्ती हमें गांव से जो बंबई ले आए ना, अब हमारा मन कर रहा कि हम जाए ही ना। और आगामी समय में चिंता मत करिए, हम त्रिपाठी जी को कहे हैं 7 दिन का झंडा गड़ेगा यहीं पर। और हम कपिल जी को भी कहेंगे, मंत्री जी को, कि आप भी जरा अभी इसमें तो बहुत सहयोग किया ही है, एक कुंभ लग जाना चाहिए मुंबई में। हाँ, तुम्हारी ही विधानसभा में लगना चाहिए मंत्री जी, बड़ा वाला कुंभ लगना चाहिए। लगना चाहिए कि नहीं? हाँ, तो बिल्कुल अगली बार में, अगले साल यहां पर एक कुंभ लगेगा, कथा भी होगी आनंद के साथ में, और कथा के साथ साथ दरबार भी होगा। कब होगा ये हनुमान जी जाने, होगा, लेकिन चिंता मत करो। आगामी कथा दंदरुआ धाम में है, वहाँ संस्कार टीवी पर चैनल पर तो वो आएगी, दंदरुआ धाम में तो कथा भी बड़े भावपूर्वक 14 से 18 तक वहाँ है। मुंबई में अपन करेंगे अगले साल जब बालाजी चाहें, क्योंकि आप लोग बड़े श्रद्धावान हो, बड़े भोले हो। हम तो जानते थे ये सब अंग्रेजों की नगरी है, क्योंकि यहाँ विदेशी टाइप के लोग ज़्यादा रहते ना, लेकिन अब समझ में आ गया यहाँ बराबर भक्त। महाराष्ट्र इसलिए तो संतों की नगरी है, जहाँ एकनाथ, स्वामी समर्थ,
तुकाराम, जनाबाई, नामदेव, पंडरपुर के हमारे विठलनाथ और वीर शिवाजी, हाँ ये भी एक संत ही है। यहाँ की महिमा की बात अलग है। महाराष्ट्र में तो एक से एक विभूति हुई है जिनके सामने क्या कहना, महाराष्ट्र संतों की भूमि है। और उसका प्रत्यक्ष प्रमाण अब ये दो दिन का दरबार मुंबई का हो गया है। सिया बलराम चंद्र की, हाओ पगला सीताराम, कहा है पगला बाबा, ठीक है हैं, ठटरी बार रहे होते हैं क्या, नहीं बारत रहिए है।